आज हम बात करेंगे दूसरे एपिसोड नहीं द सीक्रेट के एपिसोड में, आज हम लोग किस तरीके से बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार सकते हैं लेकिन शायद नहीं जानते, इसलिए हमारा ये काम बड़ा मुश्किल हमें लगता है। वो क्या कि हम हर चीज़ अपने लिए मुश्किल बना लेते हैं उसके बारे में बात कर करके, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो असफलता हो, चाहे किसी का व्यवहार हो, और चाहे मुसीबत ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ या बीमारियाँ हों। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको थोड़ा सा सीक्रेट बुक का क्रक समझाने की कोशिश की थी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइंड रेडियस टॉकिंग टू यू। आज प्रस्तुत हूँ एपिसोड 2 लेकर द सीक्रेट का। सीक्रेट के जो नियम मैंने अपने 2007-2008 से अपनी ज़िंदगी में आज तक उतारे हैं, और जिसे कहते हैं ना कि लाइक पूरा मैंने उसको समझिए किसी भी लिक्विड में बनाकर घोल कर पी लिया और बस अपनी नसों में, अपनी ब्लड में उतार लिया स्ट्रीम में, तो अब वो नियम मेरी ज़िंदगी का ही रूप हैं, और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर बनाई है। अब किसी के लिए धन ज़्यादा मायने रखता है, किसी के लिए कुछ ज़्यादा मायने रखता है, मेरे लिए प्यार, सम्मान, पीस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, धन तो सभी के लिए मायने रखता है। चलिए बात करते हैं कि हमें ऐसे क्या नियम अपनाने चाहिए लाइफ में जिससे हमारी ज़िंदगी पीसफुल बन सके। देखिए, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे क्रिप करना यानी चिढ़ना, क्राई करना, कंप्लेंट करना, को एग्जिस्ट ना करना, को कंसेंट ना लेना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब जब हम किसी को हम हमेशा चिढ़ते रहेंगे, आप एक ही काम कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया था कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से आप जो चीज़ करते जाएंगे वो चीज़ आपके पास बार बार आएगी, क्योंकि नेचुरली यूनिवर्स फील करता है कि यही आपकी वाइब्रेशन है, तो आप वो आपको वही देने की वापस कोशिश करता है कि शायद आपने वही मांगा है। आप क्रिप करते हैं, चढ़ते हैं, मन में कोई अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन दूसरे को कैसे मालूम पड़े कि आप उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं। सो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखिए और कोशिश कीजिए कि लोगों से आपकी बात हो पाए। मैं तो खुद ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली इंसान हूँ, अगर ऐसा हो सके, ऐसी कोई संभावना हो कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे बात कर सकें, या तो डायरेक्ट उनसे या किसी के माध्यम से आप बात कर सकें, तो क्रिप करने के बजाय, चिढ़ने के बजाय, एक्सपेक्ट करने के बजाय आप सीधे उनसे बात कीजिए। दूसरा होता है क्राई। हाँ, मैं खुद भी बहुत इमोशनल हूँ, मुझे भी कभी कभी बहुत रोना आ जाता है। एक दो बार बहने दीजिए इमोशंस, बहुत ज़रूरी है उनका बाहर निकलना भी, लेकिन साथ ही साथ आप जो है कोशिश कीजिए कि अगर आपको हंसने के मौके ज़्यादा मिले, क्योंकि जितना हंसेंगे उतनी हंसी और आएगी, आने दीजिए बहुत खुशियाँ आने दीजिए, छोटी छोटी खुशियाँ आने दीजिए। अब उसके बाद आप जो है हमेशा एक कम्युनिकेट जो है वो कम करते हैं। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैं भी थोड़ी एक रिज़र्व काइंड ऑफ इंसान हूं, लेकिन जिस और क्योंकि चीज़ ये है कि मैं वाइब्रेशन एकदम किसी की समझ जाती हूं। कोई सामने आता है, मैं उसके ऑरा से एकदम समझ जाती हूं कि वो नेगेटिव पर्सन है, पॉजिटिव, वो जो मुझे बोल रहा है वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं एकदम समझ जाती हूं। लेकिन इसको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देती और मैं उस बंदे की बात पूरी सुनती हूँ। आपको अगर वाइब्रेशन का ज्ञान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कम से कम कम्युनिकेशन ओपन रखिए, सबसे बात कीजिए। कोई कैसा भी हो वो उसके कर्म, आपको अच्छा होना ज़रूरी है। तो आप कहते हैं, मेरी मम्मा हमेशा कहते थे कि जो कोई इंसान अगर गलत करता है वो उसके खाते में जाता है, उसके रजिस्टर में जाता है, लेकिन अपना रजिस्टर एकदम क्लीन रखिए, कर्मों का रजिस्टर, क्योंकि वही है जो ऊपर देखा जाएगा, है ना। अब को एग्जिस्टेंस की कोशिश ना करना। देखिए, चाहे ये पति पत्नी के रिलेशन हो, चाहे बच्चा और माता पिता के हों, चाहे दो बच्चों में आपस में हों, चाहे हमारे सोसाइटी से हों, सोसाइटी के हमारे से हों,
तो को एग्जिस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये सब हमारे लाइफ का अभिन्न हिस्सा हैं। अगर आप मतलब बहुत प्रयत्नशील ना होकर, अगर हल्के हल्के प्रयत्नशील होकर अगर आप अच्छा को एग्जिस्टेंस बना पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, क्रिप ना करें, अच्छे से कम्युनिकेट कर लें, रिलेशन अच्छे बना लें, तो आप देखेंगे कि आपको ये जो 3-4 सीज है ना, ये आपको लाइफ बहुत आपकी आसान बना देंगे। तो आप यही करिए और कोशिश कीजिए कि इंसान से सीधे आप कनेक्ट कर पाए। देखिए ऐसे तो जो चैप्टर्स हैं द सीक्रेट बुक के, जैसे मैंने आपको बताया, वो अगर मैं आपको ऐसे समझा दूँ तो शायद हो सकता है किसी किसी को मुश्किल लगे, इसलिए कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर मैंने उसका क्रक्स बनाने की कोशिश की है, और हो सकता है जल्दी आपके सामने एक बुक भी ले आऊँ। एक मेरा यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है, अगर आपको पसंद आता है मेरा काम माइंड रेडियस का, तो आप हमें ज़रूर थम्स अप दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ आपके सब्सक्रिप्शन से, एक एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत अप्रिशिएटेड फील होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, एक इस समय में जो जिस मुसीबत से शायद आप निकल रहे हैं फिनेंशियल, मैं भी कभी निकली थी बहुत ज़बरदस्त, और उस टाइम में मैंने एक कोर्स बनाया था दैट इज़ बीइंग मनी मैग्नीफायर, मैंने मनी को चुंबक की तरह कैसे खींचे, छोटा सा कोर्स है, प्रॉमिस नहीं करती कि आपको मल्टी बिलियनेयर बना दूंगी, लेकिन ये प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि जाने अनजाने से कहीं ना कहीं अलग स्रोतों से, जो आपको पता भी नहीं होगा, स्पिरिचुअल पावर्स आपके पास वो धन आपको पहुँचाएंगी जो आपका ही था, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को पॉजिटिव सोचने की वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आता है। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप मनी को अपनी लाइफ में वापस से कैच कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, यहाँ लिंक दिया गया है, छोटा सा कोर्स है, बहुत प्यारा सा, आप उसको जिस तरह से मैंने ज़िंदगी लोगों की चेंज की, 1800 से ज़्यादा लोगों की, आप भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। गॉड ब्लेस यू। कुछ अगर आप बोलना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और क्या देखना चाहते हैं मैं उसी पर अपने वीडियोज़ बनाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।